बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, मैं जैद हूँ। मैं खुशबू रिलेटेड वीडियो बनाता हूँ। आज की वीडियो में फ्रेडरिक माल के दी नाइट के बारे में बात करेंगे। फ्रेडरिक माल एक बड़ा डिज़ाइनर है। 2014 के अंदर इन्होंने ये जो आप ब्लैक गोल्डन सी खुशबू देख रहे हैं डार्क कलर में, इसके बारे में मैं आज आपके साथ बात करूंगा। जो इसका परफ्यूम है वो 2 लाख प्लस आता है, हर बंदा इसको आसानी से अफोर्ड नहीं कर सकता। तो इसका खालिस इतर ऑयल हमसे मिल जाता है। मैंने इसको बताते खुद ओरिजिनल परफ्यूम को भी लगाया है और चेक भी किया है। प्यारे व्यूअर, जो फ्रेडरिक माल का दी नाइट है, इसकी बोतल के ऊपर अलाइल भी लिखा होता है। मैं स्क्रीन के ऊपर आपको दिखा भी रहा हूँ, आप देख सकते हैं। ये अरब दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा इसको लाइक किया जाता है। इसके जायके और इसके नोट की अगर बात की जाए तो प्यारे व्यूअर, इसके अंदर तुर्किश रोज़ का और इसके अंदर अंबर का, इसके अंदर इंडियन ऊद लकड़ी का इस्तेमाल किया गया है। और ये इतनी शानदार खुशबू है कि जो लोग कहते हैं कि हमें थोड़ी थोड़ी देर के बाद खुशबू आनी चाहिए, वो इसको अपनी नब्ज पर लगा लें। और नब्ज़ पे लगाने के बाद उसका तरीका कार क्या है, और मैं आपको जो बात बताने लगूँ, ये सर्दियों की बड़ी प्यारी खुशबू है। इसको आप हल्का सा इस जगह पर लगा लें, ये वाली जगह पे लगाने के बाद आप इसको हल्का सा यहाँ पे रब कर लें, और आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये खुशबू आपको सारा दिन खुद को भी फील होगी, दूसरों को तो ये खुशबू आएगी आपके गुजरने से, आपके उनके पास बैठने से, लेकिन ये थोड़ी थोड़ी देर के बाद आपको अपना एहसास दिलाएगी कि आपने कोई खुशबू लगाई है। ज़्यादातर खुशबुएं इस तरह की होती हैं कि आप लगा लेते हैं 15 मिनट के बाद या 20 मिनट के बाद आपको फील आना बंद हो जाता है उन खुशबुओं का, वो खुशबू आपको नहीं आती। आप अगर उसको सूंघ भी रहे होते हैं, उसको अपने करीब करके, आपको नहीं आती। लेकिन ये ऐसी खुशबू है कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद आती है। ये अल-लैल की जो खासियत है, ये बहुत कम खुशबुओं के अंदर है। इस तरह चंद एक और भी ऐसी खुशबुएं हैं कि जिनके अंदर ये खासियत है, जो इंसान को ख़ुद भी आती है। कुछ लोगों को खुशबुएं लगाने का बेहद शौक़ होता है, वो चाहते हैं कि यार दूसरों को खुशबू आए या ना आए, हमें हर वक्त खुशबू आनी चाहिए। तो एक चीज़ मैं इस वीडियो में ये भी क्लियर करता हूँ कि सारी खुशबुओं में ये खासियत नहीं होती। बाज़ खुशबुओं के अंदर एक तेज़ी ऐसी होती है, बाज़ लोगों की सूंघने की हिस भी कुछ तेज़ होती है, बाज़ की इतनी ज़्यादा नहीं होती। बाज़ लोगों को ज़्यादा देर तक खुशबू आती रहती है, बाज़ लोगों को कम यानी थोड़ी देर के बाद उनको फील आना बंद हो जाता है खुशबू का। ये भी अल्लाह ताला ने एक सलाहियत रखी होती है, हर इंसान के अंदर ये सलाहियत नहीं होती। जैसे कुछ लोग कहते हैं ना कि यार मेरा बच्चा ज़हीन बड़ा है, मेरा बच्चा जरा ना थोड़ा या एक पेज पढ़ता है तो ये नू सबक याद हो जाता है। इसी तरह कुछ लोग बड़े, उनका जहन इतना तेज़ नहीं होता, कुछ लोगों का जहन बहुत तेज़ होता है। इसी तरह कुछ लोगों को भूख बहुत ज़्यादा लगती है, कुछ लोगों को कम लगती है। इसी तरह ये सूंघने की हिस के हवाले से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि कुछ लोगों को हर वक्त खुशबू आती रहती है, कुछ लोगों को नहीं आती। लेकिन कुछ खुशबुएं भी ऐसी होती हैं कि उनकी जो तेज़ी होती है, उनकी जो खुशबू होती है, वो आपको ज़्यादा देर तक फील होती है। तो ये जो दी नाइट है, अल-लैल जिसको बोला जाता है अरब दुनिया के अंदर, इसके डब्बे के ऊपर भी अल-लैल लिखा होता है। अल-लैल का मतलब रात होता है, और आप बिलीव करें मैंने इस खुशबू को रात को ही लगाया। और आजकल आपको पता है सर्दी का मौसम है, आप कोई भी अपने ऊपर चादर या कोई भी चीज़ लेते हैं तो वो उसके आपने अगर खुशबू लगाई हो तो आप थोड़ी थोड़ी देर के बाद उसको महसूस कर सकते हैं। ये खुशबू लगाने से आपको नींद बहुत अच्छी आती है, ये मैं जेन्युइन बात आपको बता रहा हूँ, क्योंकि इसके अंदर खालिस चीज़ों का इस्तेमाल किया गया। इसके अंदर अंबर का इस्तेमाल है, इसके अंदर ऊद की लकड़ी के तेल का इस्तेमाल किया गया, और इसके अंदर खालिस तुर्किश रोज़ का इस्तेमाल किया गया। प्यारे व्यूअर्स, बड़ी प्यारी खुशबू है, 5000 रुपये की 12 ml है। जो 2 लाख प्लस आने वाला परफ्यूम, आप इसका इतर ऑयल लाजमी इंजॉय करें। इसको इतर में ही लगाएं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर आप इतर लगाने से आपको उकताहट होती है, आपको बेचैनी होती है, तो आप इसका परफ्यूम भी बनवा सकते हैं। पेज पर नए हैं तो फॉलो कीजिए। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह।